मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्राइट लाइफ। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे उर्फी जावेद से। सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद लगातार चर्चा में बनी रहती है। चर्चा में इसलिए क्योंकि जिस तरह का डिजाइन या जिस तरह के आउटफिट्स वो लेकर बाहर आती है, उन आउटफिट्स पर चर्चा होनी बनती ही है। जी हाँ, बोल्डनेस की क्वीन हम अगर कहें तो वो और कोई नहीं उर्फी जावेद ही होगी। उर्फी जावेद को कहें तो सारी हदें पार कर दी, ऐसा उनके ट्रोलर्स कहते हैं। आज फिर ट्रोलर्स से जो है ट्रोलर्स को किस तरह का जवाब देना है उर्फी जावेद ने आज साफ दिखा दिया है। ट्रोलर्स लगातार उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आ रहे थे उनके आउटफिट्स को लेकर। जहां टॉपलेस उन्होंने एक नया आउटफिट क्रिएट किया जो फैंस को या यूजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन्हें ट्रोल करते नजर आए। लेकिन उन्हें किस तरह का जवाब देना है उर्फी बखूबी जानती है और यहाँ पर उन्होंने जवाब भी दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि उर्फी जावेद इसी चीज को लेकर मानी जाती है, हालांकि उनकी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, अभी वो काफी यंग है, लेकिन इसी बीच उर्फी जावेद को किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से बात करनी है, वो बहुत बखूबी जानती है। साथ ही आगे की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि उर्फी जावेद ने किस तरह से अपनी जिंदगी की शुरुआत की, कितने स्ट्रगल के बाद वो यहाँ इस मुकाम पर पहुंची और आज जो वो कर रही है वो किस काम की बात कर रही है। बिग बॉस OTT पर आ चुकी है उर्फी जावेद, इसी के साथ टीवी इंडस्ट्री के कई सीरियलों पर काम कर चुकी है, कई सीरियलों में सपोर्टिंग रोल के साथ एक्टिंग वो कर चुकी है और काफी काम वो कर चुकी है। उसके बाद सोशल मीडिया सेंसेशन बनी। आपको बता दें उर्फी जावेद फैशन डिजाइनर भी हैं और इस तरीके से वो आउटफिट डिजाइन करती है। काफी लोग उस आउटफिट को पसंद करते हैं क्योंकि ऐसे आइडियाज किसी के माइंड में इजीली नहीं आते हैं जैसे कि उर्फी जावेद के माइंड में आते हैं। हालांकि उन चीजों को प्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है जो कि उर्फी कर भी रही हैं, आप सभी के सामने नए आउटफिट्स लेकर आती हैं। उर्फी जावेद सोशल मीडिया सेंसेशन है, फैंस लगातार वेट करते हैं कि उर्फी जावेद अपने किसी नए आउटफिट को लेकर सामने आए। कमेंट्स की बात करें तो हमने कई सारे कमेंट्स में नोटिस किया है कि उर्फी जावेद को लेकर काफी लोग मजाक भी उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं कि कैसे आप लड़ भी लेती है, कैसे कपड़े आप पहनती है, कैसा आउटफिट आप लेती है, कैसी फैशन डिजाइनर आप हैं, तो लगातार उनके करियर पर भी सवाल उठता है। लेकिन उनका सामना कैसे करना है, उनसे बातचीत कैसे करनी है, अपने प्रोफेशन को कैसे दिखाना है, वो उर्फी बताती है। उर्फी साफ जवाब देती है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास कपड़े ही नहीं है जो मैं खरीदूं। लेकिन आपको बता दें कि उर्फी जावेद की नेटवर्थ अगर आपको बताए तो शायद आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। जी हाँ, उर्फी जावेद का मुंबई में आलीशान फ्लैट भी है, कई मिलियन एक महीने में वो कमाती भी है अपने सोशल मीडिया से, अपने फैशन डिजाइनिंग से, अपने जो है मॉडलिंग से और अपनी कई सारी क्रिएटिविटी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उर्फी जावेद बहुत अच्छा कमा लेती है और उर्फी जावेद की संपत्ति भी बहुत अच्छी है। उर्फी जावेद के पास कई अलग जो है तरीके की गाड़ियां भी हैं जो शौक वो रखती है। तो आगे की रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि उर्फी जावेद की संपत्ति कितनी है। उर्फी जावेद की संपत्ति पर चौंकाने वाला खुलासा आज हम करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि उर्फी जावेद की पर्सनल लाइफ पे हमेशा डिस्कशन होता है। फैंस जब किसी को पसंद करते हैं या किसी को किसी की काम को एक्टिंग को पसंद करते हैं तो जानना चाहते हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या होता है और शायद वो तब ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। सेम उर्फी जावेद की जिंदगी में उनके बॉयफ्रेंड, उनके एक्स बॉयफ्रेंड, उनके पेरेंट्स, हर किसी को यहाँ पर हर कोई जानना चाहता है। तो आपको बता दें उर्फी जावेद के एक्स जो बॉयफ्रेंड रहे हैं उन पर काफी चर्चा हुई। अनुपमा सीरियल में वो काम कर चुकी है, पारस कहलावत उनका नाम है। साथ ही ये भी सामने आया कि पारस कहलावत और उनका ब्रेकअप हो चुका है, दोनों बातचीत नहीं करते। लेकिन अचानक से उर्फी जावेद के जन्मदिन पर पारस कहलावत दिखाई दिए और ये खबर और ज्यादा फैल गई कि शायद दोनों का पैचअप हो गया, लेकिन इस बात को अभी भी किसी ने भी पुष्टि नहीं की। चलिए आगे की रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उर्फी जावेद की संपत्ति पर बड़ा खुलासा, देखिए रिपोर्ट। बिग बॉस OTT में हिस्सा लेने के बाद सुर्खियों में आई एक्ट्रेस मॉडल उर्फी जावेद अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपने अतरंगी ड्रेसिंग स्टाइल और बोल्ड अवतार से सनसनी मचाने वाली उर्फी अक्सर लाइमलाइट में रहती है। सोशल मीडिया पर आए दिन उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं।
सोनी टीवी के धारावाहिक बड़े भैया की दुल्हनिया में अवनी पंत की भूमिका निभाने वाली उर्फी लोगों की नजरों में आ गई थी। उर्फी जावेद ने दर्जनों सीरियलों में काम किया, जैसे कि मेरी दुर्गा में आरती का किरदार निभाया, उसके बाद सात फेरों की हेरा फेरी, बेपनहा, जीजा जीजी माँ, डायन, रिश्ता क्या कहलाता है, कसौटी जिंदगी। उर्फी टीवी की दुनिया में सालों से एक्टिव रही हैं, मगर उनके फैशन ने उन्हें हमेशा चर्चा का विषय बनाया। उर्फी जावेद अब एक रॉयल लाइफस्टाइल जीती है। अपने तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने वाली उर्फी अब सोशल मीडिया सेंसेशन भी बन चुकी है। उनकी कुल संपत्ति का आधिकारिक तौर पर कहीं जिक्र नहीं किया गया है, मगर कुछ रिपोर्ट्स के माने तो करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। रिपोर्ट्स के अनुसार उर्फी जावेद के पास 170 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है और वो रानी महारानियों की तरह जीती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्फी महीने में 2 से 5 मिलियन की कमाई कर लेती है। उनकी मोटी कमाई एक्टिंग, मॉडलिंग और विज्ञापनों से होती है। सोशल मीडिया पर ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए भी वो लाखों वसूलती है। बताया जाता है कि उर्फी का मुंबई में एक आलीशान फ्लैट भी है। उनके पास गाड़ियों का भी अच्छा कलेक्शन है। उर्फी को फैशन ब्रांड से भी अच्छी कमाई होती है। इंस्टाग्राम पर उन्हें 20 लाख लोग फॉलो भी करते हैं। बता दें कि उर्फी जावेद ने अपने करियर की शुरुआत टीवी श्रृंखला टेरी मेरी फैमिली से की थी। इस शो में उन्होंने कैमियो भूमिका निभाई थी। टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले वह एक फैशन डिजाइनर भी रही है। उर्फी जावेद फैशन डिजाइनर तो है, लेकिन जिस तरह का फैशन सेंस वो रखती है कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आज फिर उर्फी जावेद बुरी तरीके से ट्रोल हो चुकी। उर्फी जावेद को हर कोई ट्रोल तो करता है, लेकिन उनसे कैसे बातचीत करनी है वो उर्फी बेहद अच्छी तरीके से जानती है। उर्फी जावेद की जिंदगी के कई ऐसे खुलासे हैं जो शायद कोई जानता हो। उर्फी जावेद ने किस तरह से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपनी पहचान बनाई, क्या क्या चीजें रही, ये बहुत कम लोग जानते हैं। असल में उर्फी जावेद है कौन, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मी 25 साल की उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया पर 1.4 मिलियन फॉलोअर्स है। उर्फी सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बोल्ड फोटोज शेयर करती रहती है, जिन्हें फैंस खूब पसंद करते हैं। वहीं उर्फी का देसी अंदाज भी फैंस को खूब पसंद आता है। युवा अभिनेत्री ने 20 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने बड़े भैया की दुल्हनिया से टेलीविजन में एंट्री ली। 2016 से 2017 तक उर्फी जावेद चंद्र नंदिनी में छाया की भूमिका निभा रही थी। साथ ही उर्फी कई सीरियलों में काम कर चुकी है। अभिनेत्री ने टेलीविजन में स्थापित होने के लिए काफी स्ट्रगल किया है। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उनकी लाइफ में कई लो फेज भी आए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल तक काम नहीं रहा तो इंसान बहुत ज्यादा हताश हो जाता है। उर्फी ने बताया था, संघर्ष तो बहुत रहे जीवन में और भयंकर भी रहे मेरे जीवन में, यहाँ तक पहुँचना भी एक बड़ा संघर्ष रहा है। उर्फी ने साझा किया कि संघर्ष हर किसी के जीवन का हिस्सा है, बस बाधाओं की प्रकृति अलग है। मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करती हूँ, मैं किसी कारण से नहीं जानती, मेरा जीवन दूसरों की तुलना में अधिक कठिन रहा है। बिग बॉस तक पहुँचना भी संघर्ष था। उर्फी जावेद ने अपनी शिक्षा सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ से की है। एक एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया। एक अभिनेत्री के रूप में काम करने से पहले उन्होंने दिल्ली के एक सहायक फैशन डिजाइनर के रूप में भी काम किया। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते उर्फी जावेद अपने फटे या बेकार कपड़ों से DIY लुक्स बनाना पसंद करती है। वे अक्सर इस तरह की मेकओवर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती है। उनकी सेक्सी और स्टाइलिश तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां भी बटोरती हैं।